बड़ौदा तहसीलदार भरत नायक ने की दो दुकान सील तो एक मोबाइल दुकान पर ठोका जुर्माना। मामला शिवपुर जिले की तहसील बड़ौदा का है, जहां कोविड 19 को लेकर लोग बेखौफ नजर आए। लोगों को देख तहसीलदार भरत नायक ने बागर रोड स्थित मोबाइल की दुकान खुली नजर आई, जिस पर तहसीलदार ने 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं दो दुकानों को सील कर दिया गया। एक दुकान डॉक्टर खान की है जो कंपनी दरवाजे के पास, तो वहीं सामने ही एक अवैध पैथोलॉजी लैब को भी सील करने की कार्रवाई की गई। बीएमओ ने बताया कि लोग बिना सर्टिफिकेट के दुकान संचालित कर रहे थे, लोगों के श्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तहसीलदार ने बताया कि दोनों दुकानदार अवैध रूप से बिना लाइसेंस के दुकान चल रही थी। उन्हें पूछा गया कागजों के बारे में, लेकिन दुकानदार संतोषजनक जवाब नहीं दिए। कोविड 19 की गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन लगने के बाद भी लोग दुकानें खोल रहे हैं, उसके चलते इन पर कार्रवाई की गई और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। जिला शिवपुर से दिलीप कुशवाहा की रिपोर्ट। ये जो कार्रवाई की है वो किसको लेकर की? ये अवैध रूप से पैथोलॉजी लैब संचालित की जा रही है और क्लिनिक संचालित की जा रही है, तो इस वजह से इनको हमने सील किया है और इनके जो भी कागज हैं उनसे लिए गए हैं। इसको आगे शासन की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।